धुरकी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने धुरकी प्रखंड मुख्यालय में बन रहे प्रखंड कर्मचारी आवास का निरीक्षण किया। वहीं आवास में निम्न स्तर की ईंट लगाने पर कड़ी फटकार लगाते हुए भवन कार्य में काम कराने वाले मुंशी से बालू का चलान का मांग किया। मुंशी द्वारा गुरुवार को सुबह चलान प्रखंड मुख्यालय में जमा करा देने की बात कही व निर्माणाधीन भवन में निम्न स्तर का सामग्री को लेकर इसकी शिकायत भवन प्रमंडल व उपायुक्त को लिखित आवेदन से इसकी शिकायत की। वहीं धुरकी कन्या मध्य विद्यालय की 3 छात्रों ने MDM में बन रहे भोजन में कीड़ा होने की शिकायत की। अनुमंडल पदाधिकारी व BDO अरुण कुमार ने तुरंत स्कूल पहुंचकर इसकी जांच की। जांच में भोजन नियमावली के अनुसार बच्चों को नहीं मिल रहा है। वहीं स्कूल के अध्यक्ष को अपने स्टॉक पंजी व छात्रों का भोजन का पंजी दिखाने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बोले तो पंजी में कोई रिपोर्ट नहीं मिला। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाए। अनुमंडल पदाधिकारी ने तुरंत विद्यालय के भोजन पंजी को सील करते हुए इसकी शिकायत उपायुक्त को देने की बात कही। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। STO ने यह भी बताया कि जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की जांच निरंतर चलाई जाएगी। जांच में धुरकी थाना प्रभारी सदानंद कुमार अपने सदल बल के साथ मौजूद थे। अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 800-282-0182।